Hello viewers, welcome to my channel. I am Purnendu. Today I am going to explain you class 11 chapter 1 that is set. So, आज हम 11th class की set chapter 1 जो है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो जो chapter है उसका नाम है set. तो आपको पहला चीज क्या है? What is set? मतलब set का मतलब क्या होता है? Set का मतलब होता है किसी भी चीज को आप collect करते हैं उसको set बोलते हैं. Collection of numbers या कुछ भी हो जाए. कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वो नंबर चाहे ओड नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो या नंबर्स का हो, कुछ बहुत सारी चीज जो हम कलेक्ट करके लिखते हैं उसी को हम सेट कह सकते हैं. जैसे मान लीजिए अगर मैं लूंगा कि ओड नंबर लेस देन 10, ठीक है, ऑड नंबर लेस देन 10, तो ये मेरा हो जाएगा a इक्वल टू, जो ऑड नंबर है वो 10 से छोटा है. ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5, 7, 9, ये इतनी नंबर है जो कि 10 से मेरा छोटा है, तो ये एक सेट है. ठीक है, ये सेट है. उसी तरह अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे कि अगर कोई भी फल का नाम लीजिए, 5 फल जैसे एप्पल ले लिए, ठीक है, एप्पल ले लिए, बनाना ले लिए, मैंगो ले लिए, ठीक है, ये सब चीजें क्या है? ये सब सेट है, मतलब एक कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स है, सेट है. उसी तरह आप अगर लेंगे कलेक्शन ऑफ वॉवेल, तो वॉवेल क्या है मेरा? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये सब चीजें क्या है? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो ये भी एक सेट. उसी तरह हम किसी भी नंबर या ऑब्जेक्ट को अगर हम कलेक्ट करके लिखते हैं तो उसको एक सेट की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन हम अभी देखेंगे कि सेट को आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, तो सेट को दो प्रकार में रिप्रेजेंट करते हैं. तो अभी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में जाएंगे, मतलब सेट को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जनरली सेट को हम दो प्रकार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दूसरा मेरा है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, तो अभी हम एक एक देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म किस तरह होती है, सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह होती है. सपोज मान लीजिए रोस्टर फॉर्म हम देखेंगे, जब कोई भी संख्या को अगर जैसे वॉवेल ले लिए, ठीक है, इंग्लिश की वॉवेल, अल्फाबेट की वॉवेल ले लिए, ए ई आई ओ यू, तो इसमें जब रोस्टर फॉर्म की आती है, पहला चीज जो कलेक्शन हमने किया है वॉवेल्स का, ये 5 वॉवेल है, 1, 2, 3, 4, 5, तो उसको सेपरेट करने के लिए आपको पहला चीज कोमा लगाना पड़ेगा. ये मैंडेटरी, आपको जब रोस्टर फॉर्म में आप लिखते सेट को, आपको जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोमा है, मतलब ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, उसी तरह में सभी जो ऑब्जेक्ट है उसके नंबर अल्फाबेट लेटर के बीच में कोमा दिए, और उसको क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट देना पड़ता है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. जब आप कर्ली ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स को रखते हैं कोमा की थ्रू सेपरेट करके, उसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. ठीक है, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म. इसी को हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में. अगर मैं ये ए ई आई ओ यू, ये क्या है मेरा? सभी इंग्लिश अल्फाबेट है, तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? सेट बिल्डर फॉर्म में ए इक्वल टू एक्स कोलोन एक्स इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश अल्फाबेट. इसमें भी आपको कोमा ये देना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा. मतलब यहां क्या है, ये सभी चीजें वॉवेल है, मतलब हम अगर एक्स को भी रिप्रेजेंट कर दे, मतलब ये सभी को अगर एक्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा तो मैं लिख सकता हूं एक्स कॉलम एक्स इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब ये सभी चीजें मेरा वॉवेल है. अगर मान लीजिए यहाँ ए ई आई ओ यू है और कोई कॉन्सोनेंट भी रहेगा, सपोज मान लीजिए यहाँ बी हो गया, ठीक है, तो बी हो गया तो मतलब यहाँ एक्स इज टू एक्स समान नहीं है, क्योंकि यहाँ वॉवेल भी था और कॉन्सोनेंट भी था. मतलब जब सभी टर्म, मतलब ये सभी चीजें समान है, जब वॉवेल सभी चीजें है, तभी आप इस तरह सेल्फ बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन अगर साथ में कोई कॉन्सोनेंट आ गया या कुछ भी आ गया तो उसको हम नहीं कर सकते, तो इसी तरह हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अभी एग्जांपल देख लेंगे तो अभी आपको और भी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा. अभी हम एग्जांपल 1 में जाएंगे. एग्जांपल 1 दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट,
कौन सा इसमें दोनों क्वेश्चन दिया उसमें कौन सा सेड है, अगर सेड है तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन देना पड़ेगा। पहला बिट दिया है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मंथ्स इन ए ईयर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर एफ, आपको 12 मंथ में से ऐसा मंथ की सेट निकालना है जिसकी स्टार्टिंग लेटर क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, तो बिट वन पहला मैं करूंगा, बिट वन तो उसमें पहला जो लेटर होगा वो एफ होगा। तो हम देख लेंगे जो 12 मंथ्स है उसमें फरवरी जो है ए इक्वल टू जो फरवरी है वही एक मंथ है जिसकी स्टार्टिंग में स्टार्टिंग लेटर क्या है, एफ है। तो ये एक सेट है, सेट को मैं क्या करता हूँ रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यहाँ कोमा देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अलावा कोई और दूसरा मंथ नहीं है। तो ये रोस्टर फॉर्म में जब रह जाता है तो ये एक सेट है। ठीक है, तो इट इज ए सेट। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर टू बिट टू में दिया है, बिट टू में आपको दिया है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मंथ्स हुज स्टार्स हुज नेम स्टार्स फ्रॉम जे, आपको 12 मंथ से ऐसा मंथ लेना है जो कि स्टार्टिंग लेटर आपका जे होगा। तो जे में स्टार्टिंग लेटर जनवरी आती है, फिर जनवरी आती है, फिर जून, फिर जुलाई। ठीक है, ये सभी मंथ है, ये सभी मंथ है और ये सभी जे में शुरू होती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट में, और ये तीनों नेम है इसलिए आपको यहाँ कोमा देकर उसको सेपरेट करना है। ठीक है, ये सभी नेम है तो ये भी एक सेट है। एग्जाम्पल टू में जाएंगे, एग्जाम्पल टू में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको दोनों क्वेश्चन दिया उसमें कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, अगर सेट है तो आपको रीजन भी देना पड़ेगा। सो बीट वन दिया है बेस्ट 11 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, मान लीजिए अगर मैं ए बच्चे क्लास में दोनों बच्चे है, दोनों बच्चे को टीचर पूछ रहा है, सपोज मान लीजिए ए बच्चे को पूछ रहा है कि आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, तो वो बोल रहा है उसका खुद का ओपिनियन है सचिन विराट धोनी, फिर बी को पूछ रहा है तो बी बोल रहा है हार्दिक हरभजन केएल राहुल। तो ये सभी चीजें क्या होती है, सभी की अलग अलग मतलब अंदाज होती है बोलने का, मतलब कोई किसी को सचिन पसंद है, किसी को विराट पसंद है, किसी को धोनी पसंद है, तो ये सभी चीज सभी जगह में सभी का समान नहीं होता। तो ये जो 11 बैट्समैन है, मान लीजिए आज के लिए अगर ये 6 बैट्समैन अच्छा है, कल को और उनसे भी कोई अच्छा खेल सकता है, तो ये जो चीज है मतलब जो बैट्समैन वर्ल्ड 11 ये हर समय समान नहीं रहता, इसीलिए क्या होगा एक सेट नहीं होगा। ठीक है, ये एक सेट नहीं होगा। उसी तरह नीचे वाला जो बिट टू दिया है मोस्ट डेंजरस वाइल्ड एनिमल दिया है, मतलब जो वाइल्ड जो जंगल में रहते हैं, कोई किसी को आप पूछिए तो कोई बच्चा बताएगा कि टाइगर इज अ मोस्ट डेंजरस वाइल्ड एनिमल, कोई बताएगा स्नेक वाइपर स्नेक वो कोबरा ये सब चीजें ये भी वाइल्ड एनिमल्स है और ये भी डेंजरस है। तो ये भी चीज क्या है, समान नहीं है। समान कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ए इक्वल टू सभी भावल्स ले लिया, वॉवल्स ले ए ई आई यू, तो ये चीज भले ही ये सब अलग अलग है मतलब ए ई ये सब अलग अलग है लेकिन हम इसको वॉवल के नाम में जानते हैं। ठीक है, तो ये एक सेट है मतलब ये सभी समान, इसको हम एक कॉमन कॉमन लैंग्वेज में जानते हैं कि ये वॉवल है, लेकिन ये क्या है ये अलग है ये अलग है ये अलग है, तो ये सभी चीजें अलग है। इसीलिए ये भी वाइल्ड एनिमल को भी जब देखेंगे हम, तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल है जो कि जंगल में रहते हैं और बहुत ही डेंजर है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा नॉट सेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी नॉट सेट क्योंकि इसमें कॉमन कुछ नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल थ्री में जाएंगे, एग्जाम्पल थ्री दिया है इफ ए इक्वल टू ये एक सेट दिया है, ए सेट में ये 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स है और वो रोस्टर फॉर्म है, कॉमा भी है और कर्ली ब्रैकेट में है, तो इसको हम एक सेट मान सकते हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय एप्रोप्रिएट सिंबल, यहाँ दो सिंबल दिया आपको, एक है ई की तरह और ई लिख के एक कार्ड काट दिया जिससे, तो जो ई का तरह ई की तरह सिंबल है वो है बिलोंग्स टू, और ये जो काटा हुआ सिंबल है ये नॉट बिलोंग्स मतलब समान नहीं है, वो बिलोंग्स नहीं करता। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल आपको पुट करना है। कैसे करेंगे आप, जैसे मान लीजिए ये सेट में जितने सारे एलिमेंट है ये ए के साथ समान है मतलब ए सेट में वो है, तो उसमें हम अगर जैसे यहाँ 5-A दिया है, आप देख लीजिए ये सेट में 5 है मेरा, तो हम इसमें लिख सकते हैं अगर ए सेट में 5 है तो आपको बिलोंग्स टू की सिंबल देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 11 है, 11 मेरा ए सेट में नहीं है मतलब तब आपको क्या करना है नॉट बिलोंग्स टू देना है। ठीक है, तो ये 9-A ये ए सेट में 9 एलिमेंट है, यहाँ अगर है तो बिलोंग्स टू सिंबल देना है आपको, यहाँ 11 नहीं है ये सेट में तो नॉट बिलोंग्स टू,
जीरो जीरो डैश ए, यहाँ जीरो भी नहीं है तो यहाँ भी नॉट बिलोंग्स टू लगेगा। टू डैश ए, यहाँ टू है तो टू बिलोंग्स टू ए। उसी तरह आपको ये सब ये क्वेश्चन में ये दोनों सिंबल फिलअप करना है।